वेलकम टू स्ट्रीमर्स, आप सबका स्ट्रीमर्स पर स्वागत है। तो ये हर थर्सडे वाले ब्लॉग में हम बात करेंगे इंडिया के साहित्य के बारे में। इन एवरी थर्सडे ब्लॉग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पोएट्स फ्रॉम इंडिया। इस ब्लॉग में हम कबीर दास जी, जो 15वीं शताब्दी के बहुत अच्छे पोएट थे, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे दोहे लिखे हैं जिनसे हमारे जीवन को सुधारने की प्रेरणा मिलती है, उनके बारे में। So from this vlog we are going to start to talk about Saint Kabir, a poet from 15th century India. Kabir Das ji ka pehla doha jo hum padhne wale hain streamers pe wo hai, jati na poochho saadhi, pooch lijiye gyan, mol karo talwar ka para rahen do myan. Kabir Das ji kehte hain manushya ko उसकी जाति के आधार पर नहीं परखना चाहिए, हमें उसके ज्ञान के बाद से परखना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि तलवार में कितनी धार है, अर्थात वो कितनी तीखी है, ये नहीं देखते कि उसके म्यान कितना सुंदर लग रहा है, कितना सजा हुआ है। सेंट कबीर नरेट्स दैट अ पर्सन शुड नॉट बी जज्ड on the basis of his caste. A person should be judged by his knowledge and wisdom. He compares this situation with that of a sword and a sheath. When someone goes to buy a sword, he or she checks for the sharpness. He does not check the beauty of its sheath. Thank you. Dhanyawad.